कुछ फिल्म एक्ट्रेस का भी नाम आया, जैसे जैकलीन का नाम आया, नोरा फतेही का नाम आया, तो क्या आप अपनी जात में उनसे भी पूछताछ करेंगे आगे, किस तरह से रहेगा? अभी कई लोगों के कॉल डिटेल्स हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं, और जो भी लोग जहाँ भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गया है उन सभी लोगों को हम जांच में बुलाएंगे और उनको एग्जामिन करेंगे। तो जैकलीन और इनको नोरा को भी बुलाएंगे सर? अब कई लोगों के नाम है सर, जो सीसीटीवी सामने आए हैं जेल में, किस तरह से जैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे कर रहे थे, तो जो सीसीटीवी है उस पर आपके पास भी है सीसीटीवी, तो किस तरह से आप, कितना पैसा दिया होगा, कैसे पूरा रैकेट रहा है? पैसे का डिटेल तो हम लोगों ने पहले भी बता दिया था कि करीब 1 करोड़ से ऊपर जो है हर महीने जेल के ऑफिसर्स को दिया जाता था, और उसी के अनुसार फिर पूरी सुविधा वहाँ पे लेता था। अब अंदर में क्या क्या लेता था ये तो जांच का विषय है, फिर भी जिस तरह से इसे सुविधा दी गई थी कि पूरा बैरक खाली करा के रखा गया और बिना रोक टोक के जो है पूरे साल जो है ये अपना क्राइम करता रहा, तो उससे प्रतीत होता है कि जेल के ऑफिसर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे केस में।